नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि आज राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन एग्जाम शुरू होने से पहले ही परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उदयपुर में 40 स्टूडेंट्स बस में पेपर सोल्व करते हुए पकड़े गए हैं। यहां तक कि इससे लेकर इसका भारी विरोध जताया अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर में छात्रों ने हंगामा देखने को मिला है। इसका आनन फानन सुबह 9 बजे वाले एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साफ किया कि आज दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा होगी, लेकिन सुबह की पारी में होने वाला जीके का पेपर स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा को पेपर को लगभग 4 लाख छात्र देने वाले थे। अभी एग्जाम कब होगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये फोटो मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई का है। मूल रूप से जोधपुर का रहने वाला है और जालौर के सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। इसके दो दोस्त और वह डॉक्टर हैं, वो भी इस पेपर लीक करने में शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।